First Choice Kids Wear. धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर. फैंसी बाबा सूट, चूड़ीदार, वेस्टर्न आउटफिट, होस्टी आइटम्स और भी बहुत कुछ. फर्स्ट चॉइस 9 साल से है आपकी चॉइस. वैरायटी की भरमार, अच्छी क्वालिटी, कम दाम. आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर. मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम. विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान ने अमृत नगर में जो पानी भर गया था उसकी वजह से आज मनपा के अधिकारियों के साथ में नाले से संबंधित दौरा किया. सानू पठान का दरअसल कहना है कि पानी भरने की वजह जो है वो ये है कि कई बिल्डरों ने नाले का जो कलवट है वो बंद कर दिया है और पानी जाने की जगह उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए और इसीलिए अमृत नगर दरगाह गली में पानी भरने की वजह है. वही जब सवाल उठता है कि जब ये कलवट बंद किया जा रहा था उस वक्त ये नेता और अधिकारी क्यों नहीं इस पर संज्ञान लिए, क्यों नहीं इस कलवटों को बंद करने के लिए रोका गया और अब पानी भरने के बाद कहां कलवट बंद है, कहां कलवट खुला है इसका दौरा करके जायजा लिया जा रहा है और उसे दुरुस्त करने की बात की जा रही है. बहरहाल विरोधी पक्ष नेता सानू पठान ने क्या कुछ कहा है और मनपा अधिकारी सागर चालुंके ने भी क्या कुछ कहा है सुनिए. मुमरा फोर्सेस से लेकर शिल फाटा कल्याण फाटा तक जो नेचुरल फोर्सेस है वो सभी बंद कर दिया गया है और कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसे ने शहर विकास बांधकाम विभाग और सभी संबंधित प्रमुख अधिकारी उन सभी को आज बुलाया गया था कि नेचुरल फोर्सेस किसने बंद किया है, क्या बिल्डर की शरारत की वजह से तो बंद नहीं किया गया. जिन ब्रिटिश काल के तौर पे जो कलवट थे, जो नेचुरल फोर्सेस थे, वो काफ़ी हद तक बंद हो गए जिसके कारण पानी जमे रहता है. इसीलिए आज सभी डिपार्टमेंट के संबंधित अधिकारी यहाँ दौरा कर रहे हैं और इसके बाद कमिश्नर के पास इसकी एक ज्वाइंट मीटिंग लगा के पानी नेचुरल फोर्सेस कैसे डाइवर्ट किया जाए खाड़ी में उसके ऊपर हम ठोस निर्णय लेंगे. जब ये बन रहा था तब यहाँ पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया? बंद किया गया है, बन रहा नहीं था. बिल्डर मार्फत ये नेचुरल फोर्सेस बंद किया गया. बिल्डर मार्फत बोल तो रहा हूँ ना, ये नेचुरल फोर्सेस को कई जगहों पे बंद कर दिया वॉल उठा के, जिसकी वजह से कई जगहों से पानी आउटलेट क्रॉस नहीं हो रहा है. इसका मुख्य कारण ये. इसके लिए आपका क्या एक्शन रहेगा? इसके लिए एक्शन अधिकारी को बांधकाम विभाग, अतिक्रमण विभाग, शहर विकास सभी अधिकारी को बुलाया गया और उनको देख के जो लोगों ने ये सब किया शरारत उन पर कार्रवाई करेगी और उनको तोड़ के आउटलेट को क्लियर करा जाएगा. और जब तक अगर ये दोबारा अगर ऐसी बारिश होती तो उसके लिए काम तुरंत करने के नहीं किया गया, इसको तोड़ के तुरंत आउटलेट चालू किया जाए. गए दो दिन में मुमरा में जो बारिश हुई उससे बहुत कई जगह वाटर लॉगिंग हो चुका है तो अभी फिलहाल तो वो वाटर लॉगिंग क्यों हुआ था और उसके रीजंस क्या रहेंगे इसको देखते हुए माननीय सानू पठान साहब ने दौरा रखा हुआ था तो ऐसा कई जगह दिखाई दे रहा है कि कुछ नेचुरल फ्लो था वो डिस्टर्ब हो चुका है, उसका जो रूट था वो डिस्टर्ब हो चुका है करके तो उसके ध्यान रखते हुए माननीय आयुक्त साहब और माननीय सानू पठान साहब ने जो मीटिंग रखी गई है शहर विकास और मंडल प्रशासन हो नहीं तो इंजीनियरिंग में हो उसमें जो कुछ सोल्यूशन निकलेगा उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे. सानू पठान ने बताया कि कुछ बिल्डरों द्वारा जो है कलवट वो बंद कर दिए गए तो इस पर कब तक कार्रवाई होगी, कब तक जो है ये कलवटों को तोड़कर खोला जाएगा? वही बात है कि कल सानू पठान साहब से फोन पर भी बात हुई तभी भी वही बात हुई कि बाबा अभी उन्होंने वो जो नेचुरल फ्लो है वो बंद किया हुआ है क्या, वो तो उनके प्लान वगैरह देखने पर ही पता चलेगा तो उसके हिसाब से आगे की हम कार्रवाई करेंगे.